आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स के बारे में। इससे रिलेटेड हमने यूट्यूब पे वीडियो एक सिंपल हाइलाइट्स डाले थे, जिसमें मैंने 8-10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया था। हम अब उसी से आगे इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो आप लोग इसको YouTube से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहीं ढूंढने की जरूरत पड़ी तो IPT इंडिया सर्च कीजिएगा YouTube पे, तो मेरा पूरा चैनल और पूरी वीडियो जो आपको शो हो जाएगी। IPT इंडिया मेन कीवर्ड है हमारा, जब भी सर्च कीजिएगा आपको वहां पे दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे साथ श्री शर्मा जी और विकास चौहान जी ऑनलाइन है और हम इस एक्स्ट्रा क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो टिप एंड ट्रिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं टॉप 100 एक्सेल टिप एंड ट्रिक्स। ये छोटे छोटे हैं लेकिन काफी यूजफुल है। ये कोई एडवांस नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा एडवांस या तरीके, छोटे छोटे ट्रिक्स है जो कि हमें ऑफिस में काम करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर की। तो सीरियल नंबर के ट्रिक्स पे हम चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 1 लिखा, 1 लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पे इसको 0 चाहिए तो हम लोग जनरली 2 लिखते हैं, फिर माउस से इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो मान लीजिए आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तो उस तरह से ऊपर इस तरह से नीचे लाते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं और एडजस्ट करते हैं। अब इस पे माउस पे कमांड है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। तो उस केस में हम इसको 1 यहाँ पे लिखते हैं और पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ होम मेनू बार के अंदर में हमारे पास सीरीज फिल होता है, इसमें सीरीज पे हम जाते हैं और यहाँ मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 20, तो 20 ऐड कर दिया, ऐड ओके कर दिया, ऑटोमेटिकली 20 सीरियल नंबर आ जाता है। या दूसरा कि आप जो है इसको बार बार बढ़ाना पड़ता है, तो इसको इसमें प्लस कर दीजिए 1 और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, फिर भी आपका ऑटोमेटिक आएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि आगे सीरियल नंबर बढ़ाना है तो इसी को आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, सीरियल नंबर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो क्या कर रहा है, ए अपना हर ऊपर वाले में +1 करता है। इसका यूज हम लोग डेट्स वगैरह में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट आपने डाल दिया, डेट को ड्रैग कर दिया, जैसे अटेंडेंस का फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं। अब इसमें आपने ड्रैग कर दिया था, अगर आपके सितंबर का डेट होगा तो फिर वापस सितंबर का डेट में आपको वापस पूरा ड्रैग करना पड़ेगा। तो हम बताते हैं कि आप ड्रैग मत कीजिए, इसके पहले वाले में आप +1 कर दीजिए और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब क्या हुआ कि अगर जैसे मैं यहाँ पे डेट चेंज करके एंटर मारूंगा, पूरा डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अब से सीरियल नंबर बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे जनरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे और भी इसके आगे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मैनुअली मैंने 1 लिखा और यहाँ पे पूजा लिखा, तो यहाँ पे मैं जैसे ही मान लीजिए ओम लिखू एंटर मारू, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू में ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू +1 हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। इसमें हमने इफ का फॉर्मूला लगाया। अब B3 को मैंने 0 क्यों किया, अब इसके बारे में एक बार देख लीजिए। B3 को 0 करने का पर्पस ये है क्योंकि ब्लैंक सेल को एक्सेल 0 समझता है, ब्लैंक सेल को एक्सेल 0 समझता है, इसलिए ऐसा हमने किया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। अब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा, ऐसे मैंने लिख दिया 2, यानी मान लीजिए लिख दिया इंदर, मैंने लिख दिया उदय, सेल नंबर ऑटोमेटिक बनते जाएगा। सर प्लीज म्यूट रखिए सर, को आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। अब दूसरे टॉपिक में आते हैं,
हम बात करते हैं करेंट डेट एंड टाइम के बारे में। अगर आपको इस पे करेंट डेट एंड टाइम आपको लिखना है तो यहां पे मैं अगर शॉर्टकट के जरिए लिखना है, रमेश माधव जी प्लीज म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, सो प्लीज रिकॉर्डिंग को बेहतर रहने दीजिए। अब इसमें मैं यहाँ पे अल्ट के साथ अगर मैं सॉरी कंट्रोल के साथ अगर सेमी कॉलन करता हूं तो मेरे पास डेट आ जाता है, या कोई डेट अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हो तो डेट लिखने का तरीका है मंथ स्लैश अपना डेट दे दीजिए। तो यहाँ पे हम डेट अगर लिखते हैं तो जनरली डेट लिखने के लिए आप मंथ डालें और फिर आप अपना वन जो भी डेट डालते हो डेट डालिए। अगर डेट करेंट ईयर का है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप ईयर भी डाल सकते हैं। दूसरा इसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपके मोस्टली सिस्टम का डेट होता है MMDDYY, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 अगस्त यहाँ पे AUG लिख दीजिए, एंटर मारिए ऑटोमेटिक ले लेगा, या आप यहाँ पे 1 AUG भी लिख दिए तो ऑटोमेटिकली वो डेट एक्सेप्ट कर लेता है। अगर मैनुअली शॉर्टकट के जरिए लिखना है तो कंट्रोल सेमी कॉलन कीजिए तो आपका डेट आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करते हैं तो ये आपका टाइम आ जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक डेट चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे का, जो कि सिस्टम डेट को हमेशा शो करता है। टाइम के लिए चाहिए तो यहाँ पे नाउ होता है, नाउ फॉर्मूला सिस्टम का डेट एंड टाइम दोनों देता है, बट मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। दो चीजें हैं, इसकी फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, फॉर्मेट चेंज करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और आपका @ लेकिन मुझे सिर्फ टाइम, क्योंकि इसके सिर्फ टाइम दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में तो डेट है, क्योंकि अगर मैं 7:54 पे अगर दोनों को करूं लिंक करूं तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसमें डेट भी डला हुआ है। तो इसका इसका तरीका ये है कि जब भी हम टाइम लिखते हैं अगर इसको जनरल फॉर्मेट में कीजिए तो नंबर और डेसिमल्स होते हैं, तो जो नंबर होता है वो डेट होता है, जो डेसिमल होता है वो टाइम है, तो इसमें सिर्फ डेसिमल्स को अलग करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड का, जो कि सेसिपल्स निकालता है। और सिंपल सा एक थ्योरी है, किसी भी नंबर को 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका सेसिपल 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में है तो उसका सेसिपल डेसिमल आता है। अब इस पे मैं अपना टाइम का फॉर्म में डाल देता हूं, अगर मैं इसको जनरल करूं तो सिंपल दिखेगा, और कंट्रोल शिफ्ट @ कर दिया तो टाइम दिख जाएगा। ये हमारा टाइम का पार्ट था। अब तीसरे ट्रिक्स पे आते हैं। तीसरा ट्रिक है मल्टी स्टेज सिलेक्शन। जैसे कि हमें अगर मैं एक डेटा कर लेता हूं, यहां अब मुझे इसमें कई सारे सेल्स सेलेक्ट करने, तो अगर सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ ऐसा अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर आपको क्या करना है, कॉपी करना है, जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, तो दोनों सिक्वेंस में है तो आप इसको सेलेक्ट कॉपी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना, तो ये आपका कॉपी नहीं होगा, क्योंकि आपको सीक्वेंस को कंप्लीट करना है कि मुझे अगर ऊपर 3 है तो मुझे नीचे भी 3 रखना पड़ेगा, इस तरह से।
अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ कॉपी आपने किया तो गैप है, लेकिन जहां आप पेस्ट करेंगे वहां कंटिन्यू आएगा। तो कंट्रोल का यूज करके हम करते हैं, कभी कभी कॉपी करते समय काफी प्रॉब्लम करती है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब चलते हैं चौथे ट्रिक्स पे। चौथे ट्रिक्स, एक तो सर चौथा तरीका है हमारा शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग को भी समझ लीजिए, उसके लिए मुझे यहां पे एक डेटा रखना पड़ेगा। मैं एक बार डेटा ओपन कर लेता हूं। ओके, शॉर्टिंग में जैसे मान लीजिए मुझे शॉर्ट करना है सैलरी के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो मेरा डेटा कहीं भी ब्लैंक नहीं है, तो मैं इस पर कर्सर रखूंगा और यहीं पे मैं शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए कर दूंगा। सिंपल। शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई पूरा का पूरा डेटा अगर ब्लैंक है, तो फिर आपको शॉर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, जिस फील्ड का अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर शॉर्ट करेंगे, तब शॉर्ट। तो शॉर्टिंग में ये ट्रिक्स आप ध्यान रखिएगा, बाकी डिटेल में तो हम आपको अपने इसके साथ जब कराएंगे तो करा ही देंगे। लेकिन शॉर्टिंग में ये ट्रिक्स याद रखिएगा कि आप जो है एक कॉलम को भी सिलेक्ट करके शॉर्ट कर सकते हैं, बस वही दिक्कत रहेगा आपको जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं किसी डेटा को उठा के एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं। कोई डेटा आपके पास है और उसको उठा के आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जैसे कि इसी है तो मुझे इतना एरिया को चलना नहीं था, जल्दी आप लोग कॉपी करके आप लोग पेस्ट कर दें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उठा ले जाना है सिर्फ एक एरिया को ले जाना है, तो आप इसको जो है कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और इसको यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करते हुए जहां पे देखिए एरो के निशान बना हुआ है, आप इसको ड्रैग कॉपी हो जाएगा। लेकिन आपने कॉर्नर कंट्रोल पे क्लिक नहीं किया, ड्रैग किया तो ये आपका मूव कहलाता है। तो कंट्रोल पे क्लिक कर दिया आपने तो आपका एक कॉपी हो गया, और आपने कंट्रोल पे क्लिक नहीं किया तो ये आपका मूव। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ भी लेते हैं जैन लिया और इसको आप ड्रैग यहाँ ड्रैगन पॉइंट इसको ड्रैग कर सकते हैं, कुछ भी जैसे आपने A1 लिया तो A1 लेने के बाद नीचे कीजिएगा तो आपका A2 A3 A4 सीक्वेंस हो जाएगा। ध्यान रखिए अगर नंबर लास्ट में है, पहले करेक्टर है फिर नंबर है, तो आपका सिक्वेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना टीम, हमने यहाँ पे दिया टीम 1, तो नीचे ड्रैग करने पे आपको टीम 1 2 3 4 5 इस कंटिन्यूअस सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 1 और टीम मैं कर दी तो क्या ऐसा 2 टीम 3 टीम होगा? जी नहीं सर, आपका ड्रैगिंग उसी में होता है जो आपका लास्ट वाला पार्ट। तो छठे नंबर पे हम बात करते हैं स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार जैसे कि आपने कुछ सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम। और रेडी मतलब ये वर्क करने के लिए रेडी है, आपने इसे डबल क्लिक कर दिया तो एडिट एडिट मोड में है। अगर आपने कॉपी कर दिया यहाँ शो करेगा कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड पेस्ट एंटर, मतलब कि आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करने का जरूरत नहीं है, पेस्ट पे क्लिक करने का जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए आपका कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ स्टेटस बार में दिखाता है। लेकिन अगर आप कुछ और चीज चाहते हो तो इस पे स्टेटस बार पे राइट क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे आएगा कि नम लॉग है कि नहीं है, ये शो करना है तो देखिए यहाँ पे नम लॉग मतलब कि नम लॉग है, मैं अनलॉक कर दिया तो अनलॉक दिख गया, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से कैप्स लॉक, अगर मैंने कैप्स लॉक पे क्लिक कर दिया कैप्स लॉक करूंगा तो मुझे बताएगा कि हाँ कैप्स लॉक है या नहीं है, कैप्स लॉक है या नहीं है।
जैसे लाइट जल जाता है लेकिन दिख जाता है, उसी तरह से मान लीजिए मुझे मैक्सिमम मिनिमम नहीं चाहिए तो इसे क्लिक करके हटा सकते हैं। ये सारे फीचर्स जो है जो आप रख सकते हो या हटा सकते हो स्टेटस बार, जो काम करते समय हमें थोड़ी सी सहूलियत देती है। अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। चलिए क्लिपबोर्ड देखिए, जब भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं तो वो डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ऐसे एग्जांपल के लिए कि मेरे पास कुछ डेटा है, मैं एक बार कुछ डेटा रख लेता हूं इसी सब को, मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ। एग्जाम्पल कुछ डेटा है मुझे कॉपी करना है, मैंने इसको कॉपी करके मुझे यहाँ रखना है, रख दिया। मुझे इसको कॉपी करके इसके इसके बगल में रखना है, रख दिया मैंने। मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना है, रख दिया हमने। वापस मुझे 46,000 को रखना है, तो फिर वापस मुझे 46,000 को सिलेक्ट करके कॉपी करना होगा और फिर इसको रखना होगा, तो दो बार करना पड़ गया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ क्लिपबोर्ड पे आप जो है साइड में दिख रहा है क्लिक कर, उसके बाद आप जो भी कॉपी करेंगे यहाँ स्टोर होता जाएगा, जो भी आप कॉपी करेंगे वहां आपको स्टोर करता जाएगा। अब मैंने मुझे वापस 52,000 को कॉपी करना है, तो मुझे वापस 52,000 को जो छोटा है इसलिए क्या होता है बहुत सारा डेटा अलग डेटा में सिलेक्शन करना पड़ता है, जैसे डेटा बहुत सारा रफ है तो आप माउस से कीबोर्ड से सिलेक्शन करते हैं फिर कॉपी करते हैं, फिर वापस चाहिए तो फिर से दोबारा सिलेक्शन करना पड़ जाता है। तो उस केस में अगर क्लिपबोर्ड ऑन रहेगा तो आप बस इस पर क्लिक कीजिएगा, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको 24 जो है एक बार में 24 कॉपी को स्टोर रखता है, तो आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां आता है बुलेट पॉइंट्स। अब देखिए हम लोग एक्सेल में इसमें क्या बोलते हैं, वर्ड में तो हमने बुलेट पॉइंट्स देते हैं, जब भी कुछ ए बनाते हैं तो हम बुलेट पॉइंट्स देते हैं, लेकिन एक्सेल में कैसे दें, क्योंकि एक्सेल में अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि पूजा तो दिक्कत होगा ना, टू नी इस तरह से, तो सीरियल नंबर तो इसमें नहीं बनाता, लेकिन बुलेट्स जो होता है ना स्टार इस तरह का बुलेट्स आप उसमें बना सकते हैं। कैसे, एरिया को सिलेक्ट कीजिए, पहले तो आप बुलेट को कॉपी कर लीजिए, जो आपके पास बुलेट कहीं पे होगा तो वो इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में सैम्पल में आपको आना पड़ेगा और जो जिस बुलेट को आप रखना चाहते हैं उसको इसमें जिसको रखना है इसको इसको कर लें, इंसर्ट कर लें और फिर इसको सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी कर लें, हो गया। अब जितने एरिया में बुलेट लगाना है उतने एरिया पर सिलेक्ट करें और इसमें फॉर्मेट सेल पे चले जाएं, कस्टम पे चले जाएं, जर्नल है ना, जर्नल का आगे उस बुलेट को पेस्ट कर दें, कोई बुलेट है आप उस बुलेट को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार नहीं इसको चार, फिर इसको जर्नल को कॉपी कर लें और फिर इसको सेमी कॉल करके चार बार कर दें, क्योंकि पहला हमारा आता है पॉजिटिव, फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है जीरो, फिर होता है टेक्स्ट, इसलिए चार बार आपको पेस्ट करना पड़ेगा, देन अप्लाई करें। अब देखिए अब मैं यहां पर टाइप करता हूं एक्सेल आगे, तो इसमें स्पेस नहीं आया हुआ है, तो आपको स्पेस भी चाहिए तो आप जो है यहाँ फॉर्मेट सेल पे चले जाए और जो सिंबल दिया है उसके बाद आप एक एक स्पेस डालते चले जाए, स्पेस आ गया, लीजिए एक्सेस, ये आपका बुलेट पॉइंट कहलाता है। हम 9वें नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर पे आने के बाद हम बात करते हैं कॉपी ऑफ वर्कशीट। अब देखो मैं कई सारे शीट्स को कॉपी करता हूं, तो कॉपी ऑफ वर्कशीट क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए, मुझे इसी को कॉपी करना है तो मैं इसको उठा के अगर मैं रखता हूं तो मूव हो जाता है, अगर मैं इसी को अगर कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो जाता है।
अब जैसे कि मान लीजिए मैं नए वर्ष लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कई सारे शीट बनाना है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जनरली स्पेस दे देता हूँ। अब स्पेस दे दिया, अब इसको मैं कंट्रोल के साथ कॉपी करता हूँ, तो ये आपका ठीक है। तो हर वर्कशीट को हमें रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले वाले पे क्या हुआ कि मैं ब्रैकेट में दे दूंगा, हो गया 1 से 5 तक शीट नेम। या फिर मान लीजिए मुझे डेटा 1 डेटा 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डेटा इस पे शीट का नाम 1 का डेटा रख दिया। अब इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, ये हमारा डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 इस तरह से बनता है। दूसरी, अगर मान लीजिए कि इस शीट को या इस मान लीजिए डेटा है और मुझे इस डेटा शीट को किसी को मेल करना है, तो मेल करने के लिए मुझे पूरी फाइल नहीं, मुझे इस डेटा शीट की, मेरे पास और भी बहुत सारे शीट्स है, लेकिन मैं सिर्फ इसी शीट को मेल करना चाहता हूं, तो इसको राइट क्लिक कीजिए, यहां आपको दिखेगा मूव एंड कॉपी, उस पर क्लिक कीजिए। आपको नई किसी पर्टिकुलर फाइल ओपन है उसी में ट्रांसफर करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे नई फाइल सिलेक्ट करना है तो नई न्यू वर्कबुक कर दिया और क्रिएट कॉपी, ध्यान रखिए क्रिएट कॉपी जरूर कीजिएगा, अगर आपने क्रिएट कॉपी नहीं किया तो ये आपको मूव कर देगा, एक नई वर्कबुक में आ गया और इसको सेव करके जिसको मेल करना है मेल कर दीजिए। तो इसका यूज हम लोग ऑफिशियल लाइफ में करते हैं। और लास्ट जो है हमारा वो नए लोगों के लिए है, पुराने लोग तो इसको जानते होंगे, वो है हमारा अंडो एंड रिडो। जैसे मैंने कुछ टाइप किया पूजा, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल जेड से हमारा वापस आ गया, फिर पता चला नहीं नहीं कंट्रोल जेड नहीं करना था, डिलीट ही करना था, तो वापस डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल वाई कीजिएगा तो वापस आपका अंडो जो है रिडो हो जाएगा। इसका शॉर्टकट यहां होता है अंडो एंड रिडो, सिंपल ट्रिक्स है। तो 10 क्वेश्चन हमने कर दिए, अब नेक्स्ट हमारा 11वां है। तो 11वें के लिए हमारे पास उससे पहले है तो हम आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने के, कुछ लोग कुछ पूछने के लिए थोड़ा सा बेचैन थे, तो मैं अनम्यूट करता हूं, 1 by 1 पूछे आप प्लीज, शोर नहीं मचाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विशाल शर्मा जी से। विशाल शर्मा जी, 1 से लेके 10 के बीच में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ओके, विकास चौहान जी, जी कोई डाउट? ओके, श्री शर्मा जी, नहीं सर। एंड रमेश जी, हाँ सर कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, मैंने म्यूट इसलिए किया हुआ है, जनरली क्लासेस में तो हम आपके सवाल तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने किसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मांगा है मुझसे, तो बीच में क्या है ना कि काफी डिस्टरबेंस हो तो शोर हो सकता है, इसलिए हमने आप लोगों को म्यूट कर रखा है। तो आपके सवाल में जो है इसी तरह से बीच बीच में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हम कर देंगे, सो प्लीज डोंट माइंड। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है फॉर्मेटिंग रिलेटेड, हम बात करते हैं ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट देखिए, 2013 में हम लोग 2003 में थे तो ऑटो फॉर्मेट का हम लोगों के पास आता था ऑप्शन, लेकिन इसमें ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है, ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन की जगह पे टेबल्स और बहुत सारे चीजों ने ले लिया है। एक मैं डेटा ही कॉपी करता हूँ आपसे ना, डेटा इसी डेटा को ले लिया, अब इस डेटा को मुझे फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, आप होम मेनू बार में आप जाते हैं तो आपके पास सबसे आता है फॉर्मेट एज ए टेबल, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका टेबल जैसा फॉर्मेटिंग जो है उस तरह का फॉर्मेट कर एक फॉर्मेटिंग मिलेगी, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। टेबल में कन्वर्ट होने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसका नाम टेबल वन पर जाता है और बहुत सारी फॉर्मूले लगाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो इसको आप नहीं करते हैं तो एक काम और कर सकते हैं आप, होम मेनू बार में ही आता है सेल स्टाइल, जो कि बने बनाए फॉर्मेट होते हैं वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं, बने बनाए फॉर्मेट होता है इसमें, अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग भी ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू स्टाइल पे चले जाए और अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले सकते हैं।
लेकिन मैं खोज रहा हूं ओ जी, जो हमारे 2003 में होता था, ऑटो फॉर्मेट करके ही आता था, तो वो कैसे मिलेगा? तो हम चलिए, अब इस एक चीज मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। 2003 में तो हम लोग बहुत यूज करते थे, लेकिन एक्सेल ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज रिबन होता है। कस्टमाइज रिबन में यहाँ हमारे पास नॉट कमांड इन रिबन करके आता है। तो चलिए इसमें मैं ऑटो फॉर्मेट सर्च करता हूँ, ऑटो फॉर्मेट। अब इसको मुझे नया कहीं लाना है तो मैं इंसर्ट में इसको लेके आता हूँ। हाँ सौ ऑप्शन जी, यहाँ पे बात आती है कि इसमें हम कैसे ऐड करेंगे ऑटो फॉर्मेट। हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होने देगा, क्योंकि ऐड जब भी कोई ऐड करना चाहते हो आप, तो आपको चाहिए क्या चाहिए, एक ग्रुप। तो आप यहाँ न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ऐड, नाम चेंज करना है तो आप इसको रिनेम कर दीजिए, यहाँ रिनेम होता है, इसका नाम दे दीजिए ऑटो फॉर्मेट। और आप जो है इसमें अगर फॉर्मेटिंग कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे आइकन से इसका यूज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसका यूज कर लिया। एंड इसको यहाँ इसको ऐड कर देता हूं, एंड यहाँ देखिए ऑटो फॉर्मेट आ गया ना। अब इस ऑटो फॉर्मेट में क्लिक करता हूं तो ये देखिए आ गया। एक चीज की मैं बात कर रहा था, एक चीज 2003 में सामने थी, बट 2013, 16, 19 वगैरह में जो है इसको हटा दिया है मेनू बार से, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें जो सा आपको फॉर्मेट चाहिए, जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। क्विक फॉर्मेट होता है, सिलेक्ट किया आपने, जैसा चूज करेंगे उसी तरह का फॉर्मेट बन के आएगा। तो ये हमारा ऑटो फॉर्मेट था, ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन था। अब मैं 12वें नंबर की बात कर रहा हूँ। तो 12वें नंबर पे हम चलते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट पॉइंटर की। फॉर्मेट पॉइंटर, जैसे कि अगर आपने कोई डेटा लिया और या किसी डेटा को फॉर्मेट, मान लीजिए आपने फॉर्मेट कर लिया और मुझे सेम फॉर्मेटिंग, जैसे इसी को ले लिया हमने और इसकी सेम फॉर्मेटिंग कहीं और करनी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो दो तरीके होते हैं। एक तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल में आते हैं और पेस्ट एज ए फॉर्मेट, या यहाँ पे फॉर्मेट का आइकन भी होता है, ये आइकन होता है, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट हम करते हैं, या फिर सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए डेटा नहीं चाहिए तो पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं। ये तो ये होता ही हमारा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मेट प्रिंटर भी है। सिलेक्ट किया, यहाँ से प्रिंटर शुरू कर दिया और जितने एरिया में चाहिए उतने एरिया में उसको ड्रॉ कर दिया। ये तो जनरली है, लेकिन एक बार और भी होता है, जैसे कि आपने एक एरिया ले लिया, आपको कई सारे एरिया भी जिसको फॉर्मेट करना है, तो आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेंट किया, फिर वापस इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेंट किया, वापस क्लिक किया, यहाँ पे पेंट किया, फिर मैंने, लेकिन इसमें कई सारे बार आपको क्लिक वापस करना पड़ता है, डबल डबल काम पर जा रहा है। तो मैं करता हूं कि मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं, फिर मैं जहां पेंट करना चाहता हूं मैं वहीं पे क्लिक करता हूं।
कि मेरा फॉर्मेट प्रिंटर तब तक नहीं हटेगा जब तक कि मैं कहीं पे डबल क्लिक या वापस फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक ना करूं। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है फॉर्मेट प्रिंटर। और फॉर्मेट प्रिंटर के बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक, सेल मैसेज। मतलब कि हम बात कर रहे हैं सेल की मैसेज की। अच्छा, आप लोग इंसर्ट कमेंट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, तो मोबाइल नंबर में मैंने यहाँ पे ऊपर में मैंने इस पे राइट क्लिक किया, और इंसर्ट कमेंट कर दिया। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मैसेज दे दिया कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर विदाउट प्लस 91 या कंट्री कोड जो भी है। तो ये मैसेज तो ऊपर ही रह गया ना। अब मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं नंबर। अब कल के डेट में किसको क्या पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे फॉर्म प्रिंटर कर देता हूँ कि कस्टमर वेटिंग लगा होता है ना। तो अगर मान लीजिए प्लस 91 दे दिया, किसे पता चले। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज जो है ऊपर में कोई माउस ले जाता है तो देखता है। मैं चाहता हूँ नहीं, कर्सर अगर आप किसी भी सेल के कर्सर ले जाए तो मैसेज दिखना चाहिए। मतलब जो कमेंट है उस कमेंट को मैं हर सेल पे यूज करना चाहता हूँ, एवरी सेल। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा के अंदर में हमारे पास होता है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में हम यहां लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। लिस्ट नहीं, माफ कीजिएगा, ये तो जैसा है वैसा रहेगा एनी वैल्यू। यहां आपको इनपुट मैसेज में देना जाता है। टाइटल दे दीजिए, टाइटल मैंने दे दिया मोबाइल नंबर। मैसेज दे दीजिए कि प्लीज एंटर मोबाइल नंबर विदाउट प्लस 91। अब इससे क्या होगा कि जब इस पर मेरा कर्सर जाएगा तो ही दिखेगा, तो टाइप करते समय साफ पता चल जाएगा। तो ये इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं 15वें टॉपिक की, 15वें नंबर क्वेश्चन की। पंद्रहवें क्वेश्चन में हम बात करते हैं अपने साथ डेटा फिल की। जैसे कि हमारे पास एक मिनट में इसको फॉर्मेट प्रिंटर इस तरीके कर देता हूं। जैसे हमने यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं। अब इस नंबर को मुझे यहां पे ये साबित करना है कि गलत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नंबर नहीं, मान लीजिए कोई मैसेज दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी एक मैसेज को कॉपी कर लीजिए ना।